नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ कि रणवीर कपूर की मच अवेटेड फिल्म शमशेरा जो कि 22 जुलाई को रिलीज हो रही है, वर्ल्ड वाइड रिलीज हो रही है, यहाँ तक कि आईमैक्स में भी इस फिल्म को रिलीज किया जा रहा है। दोस्तों बहुत बड़े बजट की फिल्म है, बहुत ज्यादा उम्मीदें है, लेकिन इस फिल्म के बारे में रणवीर कपूर क्या सोचते हैं, उनकी क्या इच्छा थी, इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूँ। साथ ही दोस्तों संजय दत्त का एक नया पोस्टर जारी किया गया है, उनका एक नया लुक जारी किया गया है, उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों शमशेरा फिल्म को करण मल्होत्रा ने डायरेक्ट किया, जो इससे पहले फिल्म अग्निपथ को डायरेक्ट कर चुके हैं, जिसमें ऋतिक रोशन प्रमुख भूमिका में थे और वहां पर भी संजय दत्त थे, कांचा चिन्ना के रोल में बड़े खतरनाक विलेन के रोल में नजर आए थे। दरअसल जो अग्निपथ थी वो अमिताभ बच्चन की बेहतरीन क्लासिकल आइकोनिक फिल्म अग्निपथ का रीमेक थी। तो दोस्तों वो फिल्म भी काफी पसंद की गई थी, बॉक्स ऑफिस पर काफी बड़ी हिट हुई थी। तो अब संजय दत्त वापिस से खतरनाक रोल में नजर आ रहे हैं फिल्म शमशेरा में। पहले बात कर लेते हैं रणवीर कपूर की। तो दोस्तों रणवीर कपूर ने एक इंटरव्यू में कहा है कि अगर उनके पिता ऋषि कपूर साहब जिंदा होते और उनको इस रोल में देखते तो उन्हें बहुत ही खुशी होती, क्योंकि मेरे पिता की इच्छा थी कि मैं एक ऐसी फिल्म करूं, एक ऐसी लार्जर देन लाइफ वाली फिल्म करूं जिसमें मेरे लुक को पूरे देश भर में प्रशंसा प्राप्त हो, मेरे कैरेक्टर को, मेरे अभिनय को, मेरे कैरेक्टर को पूरे देश भर में कनेक्ट किया जा सके, पूरे देश भर के लोग उसके साथ कनेक्ट हो सके, मैं एक ऐसे रोल में नजर आऊं, ऐसी मेरे पिता की हार्दिक इच्छा थी और शायद मुझे इस लुक में, इस रोल में देखकर उन्हें बहुत ही खुशी होती, ऐसी बात रणवीर कपूर ने कही है। दोस्तों आपको बता दूं रणवीर सिंह इसमें शमशेरा के किरदार में एक ऐसे व्यक्ति के रोल में, एक डकैत के रोल में है, जिसकी टैग लाइन है कि कर्म से डकैत धर्म से आजाद। मतलब किस प्रकार से एक काल्पनिक सिटी है, काल्पनिक शहर है जिसका नाम है काजा, वहां की जो ट्राइब्स है, वहां के रहने वाले लोगों को है एक जनरल या आप दरोगा कह लीजिए शुद्ध सिंह संजय दत्त, उनको किस प्रकार से बंदी बना लेता है, गुलाम बना लेता है, उनको प्रताड़ित करता है, उनको टॉर्चर करता है, उनके ऊपर अपनी हुकूमत चलाता है, फिर किस प्रकार उनमें से ही एक स्लेव बाहर निकल करके उनका लीडर बनता है और किस प्रकार उनको इस मुसीबत से बाहर निकालता है। तो ऐसा जबरदस्त रोल इसमें रणवीर कपूर करने वाले हैं और उनकी संजय दत्त के साथ जबरदस्त फाइट सीन, जबरदस्त एक्शन भी देखने को मिलने वाला है। अभी फिल्म का एक छोटा सा टीजर जारी किया गया था जिसने तहलका मचा दिया, बहुत ही जबरदस्त टीजर है और संजय दत्त तथा रणवीर कपूर की जो केमिस्ट्री है बहुत ही जबरदस्त नजर आ रही है। तो दोस्तों जहां तक संजय दत्त की बात करें तो संजय दत्त का भी एक पोस्टर जारी किया गया, एक लुक जारी किया गया जिसमें संजय दत्त भी बड़े ही भयानक लग रहे हैं। भयानक इसलिए बोल रहा हूँ कि जो उनका लुक है कुछ कुछ हालांकि KGF से मिलता जुलता है लेकिन फिर भी थोड़ा अलग है, क्योंकि इसमें उनके बाल काफी छोटे हैं, पीछे एक चोटी लटकी हुई है, ललाट पे उन्होंने तिलक लगाया हुआ है, हाथों में उनके हंटर है और बड़े ही भयानक तरीके से भी हंसते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब बहुत ही कुटिल मुस्कान जो कि एक दुष्ट व्यक्ति की, एक विलेन की होनी चाहिए, वैसे लुक में संजय दत्त नजर आ रहे हैं। तो संजय दत्त ने भी कहा है कि उनको रणवीर कपूर के साथ फाइट करते हुए मजा आएगा, क्योंकि रणवीर कपूर एक जबरदस्त एक्टर है और रणवीर कपूर संजय दत्त के ऊपर जो उनकी बायोपिक बनी थी संजू, उसमें संजय दत्त का रोल प्ले कर चुके हैं, तो इन दोनों स्टार को एक साथ देखना बड़ा ही मजेदार होने वाला है। और इस फिल्म के जो एक्शन दृश्य है बहुत ही जबरदस्त तरीके से फिल्माए गए, बहुत ही खतरनाक तरीके से एक्शन दृश्य आपको देखने को मिलने वाले है और VFX का जो इसमें इस्तेमाल किया गया वो भी बहुत ही जबरदस्त है। तो दोस्तों जब पर्दे पर ये दो खतरनाक भी इसलिए बोल रहा हूँ कि संजय दत्त तो मर्सीलेस है इसमें, उनको दया नाम की कोई चीज नहीं है। तो जब संजय दत्त इसमें रणवीर कपूर से भिड़ते हुए नजर आएंगे, मतलब दरोगा शुद्ध सिंह तथा शमशेरा की जब फाइट होगी, आपस में भिड़ंत होगी, तो वो देखने लायक होने वाली है। तो शमशेरा फिल्म 22 जुलाई को रिलीज हो रही है, आप इस फिल्म को लेकर के कितने एक्साइटेड है आप कमेंट करके बताइएगा। साथ ही दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद, टेक केयर।